नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा, हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार से संबंधित अन्य वीडियो आपने नहीं देखा तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है अनुमान या संभावना। इसकी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिसका तुलना किया जाए, जिसका वर्णन किया जाए। उपमान जिससे तुलना किया जाए, इसे वो एक उदाहरण से समझते हैं। कमल के समान सुंदर नयन, तो यहाँ देख रहे हैं किसकी तुलना की जा रही है, तो नयन की तुलना की जा रही है। तो नयन हो गया उपमेय। किससे की जा रही है तुलना, तो कमल से की जा रही है, तो कमल हो गया उपमान। उपमेय और उपमान को विस्तार से समझने के लिए उपमा अलंकार को जानना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद है संभावना। तो उपमेय में उपमान की संभावना किस प्रकार व्यक्त की जाती है, इसका एक बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरण के माध्यम से हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक इसका एक बहुत सुंदर ट्रिक है। उत्प्रेक्षावाचक शब्द यहाँ देख रहे हैं, मानो मनु मनहु मनो जानो जनु जानहु जनहु ज्यो, जहां आप देखें जिस काव्य पंक्ति में, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर यह उत्प्रेक्षावाचक शब्द होता ही है, लेकिन अधिकांश काव्य पंक्तियों में होता है। उदाहरण से समझते हैं, लता भवन ते प्रकट भय ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलत पटल विलगाई। रामचरितमानस का प्रसंग है, दृश्य है पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ दो भाई राम लक्ष्मण के लिए आया है। जनु देख रहे हैं, उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है। जुग यानी जुगल, जुगल यानी युगल, युगल यानी दो। विमल होता है स्वच्छ, व्यू का अर्थ होता है चंद्रमा, जलद मतलब होता है बादल। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई लता कुंज से इस प्रकार प्रकट हो रहे हैं, इस प्रकार बाहर निकलते हैं, जैसे बादल के पर्दे को हटाकर दो स्वच्छ चंद्रमा प्रकट हुए हो। एक बार फिर से ध्यान देंगे, राम और लक्ष्मण दोनों भाई लता कुंज से बाहर इस प्रकार निकलते हैं, इस प्रकार प्रकट होते हैं कि बादल के पर्दे को हटाकर दो स्वच्छ चंद्रमा प्रकट हुए हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद है दूसरा उदाहरण, फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ हम देख रहे हैं जनु क्या है, ये उत्प्रेक्षा वाची शब्द है। यह प्रसंग है रामचरितमानस का। राम कहते हैं लक्ष्मण को कि फूले का सकल मही छाई, यानी सकल यानी संपूर्ण, मही मतलब धरती, पूरे धरती पर काश के फूल छा गए हैं, मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो, यानी वर्षा ऋतु का अब समापन हो रहा है। तो काश के फूल क्या होते हैं, सफेद सफेद फूल होते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, काश के जो सफेद फूल का धरती पर छाना, ये उपमेय हो गया। उपमान क्या हो गया, वर्षा ऋतु का बुढ़ाना है, वर्षा ऋतु का विदाई। तो उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा उदाहरण है, नेत्र मानो कमल है। नेत्र क्या हो गया, उपमेय हो गया। कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ देख रहे हैं मानो क्या है, ये उत्प्रेक्षा वाची शब्द है। अगला उदाहरण है, मुख मानो चंद्रमा है। तो मुख उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया। तो उपमेय में उपमान, मुख में चंद्रमा की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है, यह बिहारी लाल का दोहा है, सुहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात मनो नील मनी शैल पर आत परियो प्रभात। यहाँ देख रहे मनो यहाँ पर उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है। श्याम यानी कृष्ण के लिए आया है, सलोने मतलब सांवला, गात यानी शरीर, पीत मतलब पीला, पट यानी वस्त्र। कृष्ण के सांवले शरीर पर
पीले वस्त्र इस प्रकार सोहत हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कृष्ण के जो सावला शरीर है ये उपमेय हो गया, उपमान क्या होगा, नीलमणि शैल हो गया यानी नीलमणि पर्वत हो गया। इसके बाद पीतपट क्या उपमेय हो गया, पीला वस्त्र, और आता परियो प्रभात क्या हो गया, प्रभात सूर्य की जो पीली किरणें हैं ये हो गया उपमान हो गया। तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है सिर फट उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ देख रहे हैं मानो क्या है, उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है, उसका सिर फट जाता है मानो, अरुण का अर्थ होता है लाल, लाल रंग का घड़ा फट गया हो, फूट गया हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा वाचक शब्द देख रहे हैं मानो, यह हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण है कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नय। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध पुस्तक से लिया गया है। प्रसंग है अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन में मारा गया है और उतरा इस समाचार को सुनती है तो कवि किस प्रकार अपने शब्दों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत करता है। उतरा के नेत्र जल यानी उतरा की आंखों में जो आंसू है यह उपमेय हो गया और उपमान क्या हो गया, पंकज यानी कमल, कमल पर जो ओस की जो बूंदे होती है जो पड़ती है वह हो गया उपमान। तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, यानी उतरा की आंखों में आंसू इस प्रकार है मानो कमल के फूल पर ओस के कण पड़े हुए हो। तो यहाँ है उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। काल की क्रोध, यहाँ देख रहे मानो किया है उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है, तो काल के क्रोध के सामने उसका शरीर कांपने लगा मानो हवा के जोर से, तेज हवा के आंधी से सोता हुआ सागर जागा, यानी वहां सागर में समुद्र में लहरें वह उठने लगती है। तो यहां देख रहे मानो से यह उत्प्रेक्षा वाची शब्द है या उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। यहाँ ज्यों देख रहे हैं उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है। यह प्रसंग है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति पुस्तक से लिया गया है। अपने पुत्री सरोज को कवि साथ लेकर जा रहे हैं, कनक आया है, यह है सरोज के लिए आया, उनके पुत्री के लिए आया है। तो इस प्रकार लग रहा है साथ लेकर पुत्री को जा रहे हैं जैसे भिक्षु के हाथ में सोने का पात्र हो। तो यहाँ ज्यों देख रहे थे क्या हो गया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है यह भी सरोज स्मृति से लिया गया है। लावण्य भार थर थर कांपा कोमलता पर सस्वर, जो मालकोश नव वीणा पर, जो मालकोश नव वीणा पर। यहाँ ज्यों देख रहे उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है, यानी सरोज के रूप लावण्य के भार से कोमलता का स्वर इस प्रकार कांप रहा है मानो नए वीणा पर मालकोश राग गाया जा रहा हो, एक राग का नाम है मालकोश। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पट झीना, मान हूँ सूर सरिता विमल जल उछलत युग्मीना। यहाँ देख रहे हैं यह नायिका घूंघट के पट से, जो झीना जो घूंघट के जो पट है जो वस्त्र है उसकी चमचमाती दो नयन जो आंखें इस प्रकार है, इस प्रकार झांक रही है मानो सूर सरिता, सूर सरिता यानी गंगा, गंगा के स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही हो। युग यानी युगल, युगल मतलब दो, मीना मतलब हुआ मीन, मीन मतलब मछली। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ घूंघट के पट से दो आंखों का झांकना नायिका यहाँ पर उपमेय हुआ, उपमान क्या हुआ, गंगा के धारा में दो मछलियों का उछलना। तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमारा तरवर बहुछाए, झूके कुल सो जल परसन
यहाँ पर हित होगा, हित मनहु सुहाय। तो यहाँ देख रहे हैं तरणी तनुजा, तरणी यानी तरणी यानी सूर्य, तनुजा पुत्री। तो सूर्य पुत्री कौन है? सूर्य पुत्री कहा जाता है यमुना को कहा जाता है। यमुना तट यानी किनारे तमाल का वृक्ष है, तमाल का तरु है, तमाल का पेड़ है, बहुत सारे वहाँ पर हैं यमुना तट पर। और इस प्रकार झुके हुए हैं मानो वहाँ पर यमुना के जल को स्पर्श करना चाहते हो। तो यहाँ यहाँ पर क्या हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर मनहू देख रहे हैं क्या है, ये उत्प्रेक्षा वाची शब्द है। और यहाँ एक काव्य पंक्ति में कई अलंकार भी हो सकते हैं। यहाँ देखकर तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर, त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यह अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है अति कटु वचन कहती केकई मानहु लोन जरे पर दे। अति कटु वचन कहती केकई मानहु लोन जरे पर दे। केकई के जो कटु वचन है, जो कड़वी बोली है, इस प्रकार है मानो लोन यानी होता है लवण, लवण यानी नमक, जले पर नमक का छिड़कना। तो यहाँ उपमेय क्या हुआ? केकई के कटु वचन उपमेय हो गया। उपमान क्या हुआ? जले पर नमक छिड़कना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यह उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। अनगन यानी अनगिनत है। तो अंबर में तारे यह उपमेय हो गया, और मानो यहाँ देख रहे हैं उत्प्रेक्षा वाची शब्द हुआ, और मोती अनगिनत मोती हो गया उपमान, यानी आकाश में जो तारे इस प्रकार है मानो अनगिनत मोतियाँ हो। तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, आकाश में जो तारे हैं उसमें मोती की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है बढ़त ताड़ का पेड़ या मनु चूमन को आकाश। या ताड़ का पेड़ का बढ़ना यह हो गया उपमेय हो गया, अब आकाश को चूमना हो गया यह हो गया उपमान हो गया। तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी आकाश में ताड़ का पेड़ इस प्रकार बढ़ रहे हैं मानो वह आकाश को चूमने के लिए तत्पर हो। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचाने का बताया गया सबसे आसान ट्रिक है उत्प्रेक्षा वाची शब्द, इसे आप याद कर लेंगे। मानो मनु मनहु मनो, ये म से यहाँ पर है, म वर्ण की आवृत्ति है, म से है जानो जनु जानहु जनहु ज्यो, यहाँ देखेंगे वह उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आज वैसे इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपकी हिंदी व्याकरण की समझ को विकसित करता है तो हिंदी परख को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।